अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मेरी ये वीडियो जो है वो बच्चे ना देखें, और जितनी भी मेरी माएँ बहनें हैं वो लेडीज़ जो हैं वो ये वीडियो ना देखें। उसकी वजह ये है क्योंकि इसमें मैं कुछ ऐसे अल्फाजात यूज़ करूँगा जो मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे सुने। कुछ इस तरह के अल्फाज, ये मौलवी साहब ज़रा इन्हें बताइए। और सूरा बेगैरत तंजीर से भी बदतर है वो हरामी। अब मैं आपको एक ये जो वीडियो है ये इस हवाले से है कि हमारे मुल्क में इस वक्त डबल सिचुएशन चल रही है। एक अजीब सा माहौल क्रिएट है दो लोगों के दरमियान में। एक तरफ कुछ पढ़े लिखे लोग हैं और एक तरफ जाहिल लोग हैं। एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में पढ़े लिखे जो लोग हैं वो 45% हैं और जो 55% हैं वो इलिटरेट हैं, मतलब कि उन्हें अपना नाम भी लिखना नहीं आता। अब जो मुल्क है पाकिस्तान का, उसकी वोटिंग जो सिस्टम है वो होता है जमहूरियत के हिसाब से। हर आदमी ने अपनी हक की राय देनी है। वो शख्स जो कभी स्कूल नहीं गया, कभी कॉलेज नहीं गया, कभी यूनिवर्सिटी नहीं गया, वो किस तरह से अपनी राय का इजहार करेगा? एक कैसा लीडर चुनेगा? कि आप क्वेश्चन करें पीएम नून वालों से या उन लोगों से जो अभी भी नवाज शरीफ और सूरा उस चोर खानदान को सपोर्ट करते हैं, उस चोर खानदान का साथ देते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा ये है, आपने पूछना उनसे ये है कि मेरे दोस्तों, आपको कभी ये मालूम था कि पाकिस्तान के ऊपर एक एक बंदे के ऊपर कर्जा कितना था? पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो कहाँ पे है? मुल्क में जो बिजली यूज़ हो रही है उसका अखराजात कितने हैं? सबसे पहले मैं जो अपना हमारा हेलीकॉप्टर का इशू है, मैं हेलीकॉप्टर के इशू को बताता चलूँ। हेलीकॉप्टर में कभी भी पेट्रोल यूज़ नहीं होता, उसमें जेट ऑयल यूज़ होता है। और सूरा अगर पाकिस्तान में जेट फ्यूल की प्राइस देखी जाए तो वो 250 रुपए फी गैलन बनती है। अगर इसमें टैक्स भी डाल दिए जाएं तो ये 350 रुपए के करीब बनती है। अगर एक तरफ का फ्यूल का खर्चा निकाला जाए तो वो सिर्फ 217 रुपए बनता है। फ्रेंड्स, इस बात से इनकार नहीं कि हेलीकॉप्टर की मेंटेनेंस और पायलट की सैलरी में काफ़ी खर्चा आता है। और सबसे बड़ी बात है, कनाडा के एक बंदे ने ये तक आए कि मैं आपको पूरा हेलीकॉप्टर भी प्रोवाइड करता हूँ और ख़र्चा भी करता हूँ। और मेरे दोस्तों, हेलीकॉप्टर पे चिक चिक पिक पिक मत करो। तुम्हें ये समझना आना चाहिए वो प्रेसिडेंट है, ठीक है? तुम लो या ना लो, वो उसने यूज़ करना है। जब नवाज शरीफ तंजीर से भी बदतर है वो हरामी उसका 70 गाड़ियों को लेकर चलता था, तब तो कोई चूतिया नहीं बोलता था कि क्या कहते हैं पूरी गाड़ियों का काफिला चल रहा है, तब तो किसी में आवाज़ नहीं आती थी। ये जो 80 गाड़ियाँ नीलामी के लिए उसने रखी, ये तुम्हारे बाप की नहीं थी, ये नवाज शरीफ की थी। और सूरा उसके अलावा वो जो जरदारी तंजीर से भी बदतर है वो हरामी उसके मुल्क को खा गए। तब अब तक तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है इस बात का? अभी भी तुम लोग बोलते हैं कि इमरान खान बुरा है बस। और दूसरी बात, ये जो नवाज शरीफ तंजीर से भी बदतर है वो हरामी उसके जो कहता है कि भगवान और अल्लाह एक है। आप लोगों को उस वक्त शर्म नहीं आया? आप लोग उसको भगवान मानते हैं, आप लोग दल्ले हैं दल्ले। और आप लोगों को ये भी शर्म नहीं आती, अभी भी आप उसको चोर पर डिफेंड करते हैं। पूरे मुल्क का खा गया। और जो ये लोग कहते हैं ना, खाता है तो लगाता भी है, वो कहा तुम्हारे सिर पे लगाता है, ये तुम्हारे घर पे जाके लगाता है। ये जो मेट्रो बस लिया उसका कितना कर्जा बाहर से लिया, मुल्क में कर्जा आया भाई, ये किस तरह लेता है? अब मैं आपको बताऊँ, अच्छा यार तुम्हें कैमरा दे रहा हूँ, मैं तुम्हें लैपटॉप दे रहा हूँ, या मैं तुम्हें कोई भी चीज़ दे रहा हूँ, ठीक है? मैं आपको कहता हूँ मैं आपको कैमरा दे रहा हूँ, मैं लैपटॉप दे रहा हूँ या गाड़ी दे रहा हूँ, और गाड़ी आती है वो 8 लाख की, मैं आपसे ले रहा हूँ 15 लाख रुपए, ठीक है? बजट में लिख रहा हूँ और आपके ऊपर कर्जा चढ़ा रहा हूँ। आप बोले नहीं यार वो जॉन बंदा तो बड़ा अच्छा है, वो खाता है तो लगाता भी, ले लो मुझसे। इस तरह से जितनी चीज़ें लेनी है पूरा मुल्क खा गया। तुम लोग अपने मुल्क को अपना घर ही नहीं समझते हो, असल में सिर्फ छोटी सी बात है। आप लोग इस मुल्क को समझते हो बस मुल्क है, हम लोग पैसे देंगे नौकरियाँ ले लेंगे, हम लोग पैसे देंगे ये कर लेंगे वो कर लेंगे। भाई आप लोगों के बच्चों को खून पी रहे हैं लोग, तंजीर से भी बदतर है वो हरामी उसके। अभी आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं तो ये हैरान हूँ, असल में लोग इतने जाहिल हैं, कभी स्कूल तो गए नहीं है, कॉलेजेस गए नहीं है, कुछ पढ़े लिखे हैं नहीं, वो उन्हें क्या पता मुल्क में क्या हो रहा है। लगे वही नवाज शरीफ जो तंजीर से भी बदतर है वो हरामी उसके अमेरिका के सामने बोलते पर्ची निकाल के 10 दफा पढ़ता था। अभी वो देखो अमेरिका का सफीर आके बैठता है, वो हमारा प्राइम मिनिस्टर कमीशन वार्ड में बैठा हुआ है। इसको कहते हैं इज्जत, इसको कहते हैं पढ़ा लिखा इंसान। अरे जंगलियों, अबे अबे डंगरों, पटवारियों और सूरा बेगैरत तंजीर से भी बदतर है वो हरामी। उसका भी तुम लोग उसमें उंगली उठा रहे हो। एक शख्स अगर तुम्हारी कौम को बचाने के लिए निकला तो उसका साथ दो, अपने मुल्क को बचाने के लिए निकले तो उसका साथ दो, ये नहीं कि उसकी टांगे खींचो। मेरा आपसे सवाल है, मैं सिर्फ पटवारियों से एक सवाल पूछता रहता हूँ, भगवान वो नवाज शरीफ को भगवान मानते हो? अदालत ने तो नाअहल कर दिया, किसको किसको वोट दे के तुम लोग जिताओगे? और ढक्कनों तंजीर से भी बदतर है वो हरामी। उसका बात आ रही है वजारतों की, ठीक है। ये शऊर आपको पॉलिटिक्स का किसने दिया? आपको कैसे पता चला कौन है वजीर, कौन मुशीर, कौन इधर कौन उधर? पहले तो आप लोगों को ये भी नहीं पता होता था कौन है। शहबाज शरीफ के पास 23 वजारतें थी, तब तो किसी ने चिक चिक पिक पिक नहीं किया। शहबाज शरीफ ऐसे मिनटों में हेलीकॉप्टर लेके कभी यहाँ जा रहा है कभी वहाँ जा रहा है, तब तो किसी ने नहीं किया। नवाज शरीफ तो अपने घर में रुकता नहीं था, कभी इलाज के लिए कभी लंदन कभी इधर कभी उधर, बस सैर तफरी में रहता था। उसका खर्चा तुम्हारा बाप देख। तंजीर से भी बदतर है वो हरामी। उसका मेट्रो बस का खर्चा तुम्हारा बाप देगा, जितना रोड बनाया मेट्रो बस बनाया ये बनाया, लैपटॉप के जो लॉलीपॉप देगी तुम पे कितना कर्जा चढ़ाया। तुम लोगों को इस बात का कोई फर्क नहीं है, तुम लोगों को बस ये चाहे खाता है तो लगाता है, किस पे खाता है और किस पे लगाता है। और शर्म करो पटवारियों, डूब मरो। इस तरह की कोई स्कीम होती है इस तरह की कि तुम अगर सपोज मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, 1 अरब के लैपटॉप दिए और खर्चे में लिखा 8 अरब। अरे वो तुम्हारे खून से गए हैं, वो तुम्हारे खून से गए हैं, वो जो तुमने टैक्स दिया ना उस पर खर्चे। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क है जहाँ 45 किलोमीटर के बाद फिर आपको टैक्स देना, फिर 45 किलोमीटर के बाद टैक्स देना। किस चीज़ का टैक्स दे रहे हैं हम लोग? जब हर चीज़ पर दे रहे हैं, कॉल सुनने का टैक्स, कॉल उठाने का टैक्स, चलने का टैक्स, रुकने का टैक्स, बिजली पे टैक्स, टीवी पे टैक्स, अरे हर चीज़ पे टैक्स। वो किसने लगाया? वो तुम्हारे बाप ने लगाया, जरदारियों ने लगाया। जरदारी हो गया, तंजीर से भी बदतर है वो हरामी। नवाज शरीफ हो गया, इन लोगों ने करप्शन किया। इतने लोग वो जो आयमा खान मनी लॉन्ड्रिंग में पैसे लेके भाग रही थी, वो गिरफ्तार हुई, उसको आज तक किसी ने सजा दी नहीं दी, वो हरामी। दिन में उनको चीफ जस्टिस साहब ने खुद दारू की बोतल के साथ कमरे में पकड़ा, मगर हमारे मुल्क का कानून इतना आता है अभी तक साबित नहीं हो पा रहा कि उसमें बोतल थी, उसमें शराब थी। आया खान की रिपोर्ट ने क्या कहा? उसमें तो सिर्फ जैतून और शायद था। अरे कुछ खुदा का खौफ करो, तुम लोगों के ज़मीर मर चुके हैं क्योंकि तुम लोग आवाज़ नहीं उठा सकते। जो कौम अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकती ना, वो लोग वो मर चुकी है। क्यों? क्योंकि तुम लोग बिक चुके हो। तुम लोग तो 3000 रुपये पे वोट बेचते हो। भाई अपने आप को संभालो। एक अगर एक बंदा तुम्हें सीधा करना चाहता है, इस मुल्क को सीधा करना चाहता है, उसका साथ दो, करप्शन को रोको खुदा के लिए। तुम लोग 3000 रुपये में अपना वोट बेच दे, तुम्हें क्या गर्ज है कि कोई कितने पैसे तुम्हारे लूटे या किस मुल्क का खजाना का क्या करे। और अब मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, ये वीडियो ज़रूर पटवारियों को शेयर करें ताकि उनको गैरत आ सके। और ये जो पीपी वाले शेरजित मेमन हो गया, वो आसिफ हो गया, कितने तुम लोगों के तो करप्शन ही करप्शन। सिंध खा गए तुम लोग, बर्बाद कर दिया सिंध को। और तुम लोग बोलते पंजाब हो, ये हो गया वो हो गया। अरे भाई जाओ अपने सिंध को ऐसा मिसाल बनाते। कब से तुम लोगों की हुकूमत है सिंध में? अभी भी लोग साई साई करते हैं वहाँ पे। जाओ उसको पहले बनाओ, डिवेल्प करो सिंध को, फिर बात करना किसी के साथ। अभी मेरा इस वीडियो में कहने का मकसद ये है, ना सिंधी है, ना बलोची है, ना पंजाबी है, ना सराइकी है, ना मुहाजिर है। हम लोग क्या हैं? सिर्फ पाकिस्तानी हैं हम लोग। हम मुसलमान हैं, उसके बाद पाकिस्तानी हैं, बस। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अभी हम लोगों को एक होना है। अगर एक लीडर हम लोगों की बका के लिए, हमारे मुल्क की बका के लिए, तो खुदारा मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ प्लीज़ उसको सपोर्ट करें, ना कि फेसबुक को मजाक बना दिए। मैं फेसबुक ऑन करता हूँ, चिका चिक टिका पिक, बस इमरान खान ने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, 10 कमेंट हाँ पे 10 कमेंट ना पे। भाई कोई रिलैक्स हो जाओ यार, ठीक करो प्लीज़, और मुल्क को सपोर्ट करो। जहाँ पर कोई गलत करप्शन नजर आती है उसको पॉइंट आउट करो, ना कि उसकी छोटी छोटी वीडियोस पे उसने ये कर दिया वो कर दिया। एडिट करते हो तुम लोग तस्वीरें इमरान खान की, नाना तो तुम पे। मैं तुम्हें तस्वीरें दिखाता हूँ। अभी पीएम इमरान वाले ने क्या बोला? पीएम जो तरीके साहब उन्होंने दरख्त लगाए उन्हें उखाड़ कर किया, नाना तो तुम पे। तुम लोग वो एक और ने लिखा कि जब ये इमरान खान की साजिश है, यहूदियों की साजिश है, जब पाकिस्तान में दरख्त ज़्यादा हो जाएंगे तो धूप सही नहीं लगेगी, और धूप सही नहीं लगेगी तो इंसान की स्किन के लिए अच्छा नहीं है हीमोग्लोबिन। मैं भी आपको ये शेयर करके वो आप पिक्चर भी देख सकते हैं। अरे लाना तो तुम पे। ये कौन सा इस्लाम में बोलता है दरख्त लगाओगे सदका जारी है, और तुम लोग उस पर भी पॉइंट आउट करते हो। यार डूब के मर जाओ, जहालत की इतनी जिद। What the fuck are you doing guys? आप लोगों को इतनी शर्म और हया होनी चाहिए कि दरख्त लगाने से मुल्क में जो है गर्मी का लेवल कम हो जाएगा और ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी, हम लोग अच्छी सेहत वाली ज़िंदगी गुजारेंगे। आप लोगों को तो ये भी नहीं पता है मैं किन जहलों के लिए इतना चीख चिल्ला रहा हूँ। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, पटवारियों को ये वीडियो ज़रूर दिखाऊँ ताकि उन्हें पता चल सके कि वो कभी मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, बट वाली को ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा। बस।